आज हम लोग एक बहुत अच्छा चैप्टर शुरू करने आ रहे हैं, डिटरमिनेंट्स। तो ऊपर हम लोग हेडिंग डालेंगे डिटरमिनेंट्स। ये चैप्टर वैसे डायरेक्टली जेई के सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन अपन इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट का बहुत ज्यादा यूज आता है। उसके अलावा स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डिटरमिनेंट का बहुत सारा यूज आता है। तो इस डिटरमिनेंट टॉपिक को उतना पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूं, इस पर पीएचडी मत करने लग जाना, क्योंकि डायरेक्टली जेई के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, खैर अपन शुरू करते हैं। बहुत मजेदार सिंपल सा अलजेब्रा का टॉपिक है डिटरमिनेंट। सबसे पहला सवाल मन में आता है कि सर व्हाट इज डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट को देखिए अपन कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अपन डिटरमिनेंट की डेफिनेशन पर आते हैं। कोई हमसे बोले भाई व्हाट इज डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट है क्या जो हम पढ़ने जा रहे हैं? पहले मैं बता देता हूं, फिर मैं लिख के समझाता हूं आपको। डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स रिटन डाउन बिटवीन टू पैरेलल वर्टिकल लाइंस। लिखता हूं समझाता हूं। तो हम डिटरमिनेंट कैसे डिफाइन करते हैं कि डिटरमिनेंट इज द वैल्यू एसोसिएटेड विद स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स रिटन डाउन बिटवीन टू पैरेलल वर्टिकल लाइंस। ये है डिटरमिनेंट की प्रॉपर और सही मैथमेटिकल डेफिनेशन। क्या है डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। पहला शब्द जैसे ही कानों ने सुना स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इसका मतलब हम समझ गए कि नंबर ऑफ रोज वो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा, तभी आपको मिलेगा स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक। अच्छा, एक खास बात, जो नंबर ऑफ रोज और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, यही कहलाता है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स का मतलब है जितनी रोज होंगी उतने कॉलम्स होंगे, जितनी रोज होंगी हॉरिजॉन्टल रोज उतने ही कॉलम्स होंगे, और इस क्वांटिटी को, इस संख्या को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। यानी अगर कोई हमसे बोले भैया सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का क्या मतलब भाई? दो रो दो कॉलम। अगर कोई हमसे बोले थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट का तीन रो तीन कॉलम। आईटी जेई के सिलेबस में और जनरल भी थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट तक ही आता है, थर्ड से ऊपर ऑर्डर के डिटरमिनेंट नहीं आते, वहीं तक अपन भी देखेंगे इसको। अच्छा, नंबर ऑफ रोज ना, तो डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स रिटन डाउन बिटवीन टू पैरेलल वर्टिकल लाइंस, दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस के बीच में कुछ नंबर्स को स्क्वायर अरेंजमेंट की तरह लिख दिया गया है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 लिख दिया गया है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। वी डिनोट दिस बाय कैपिटल लेटर्स। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ एक एसोसिएटेड वैल्यू है, उस एसोसिएटेड वैल्यू को इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू या इसका डिटरमिनेंट भी कहते हैं। केवल कह सकते हैं भैया ये इसका डिटरमिनेंट है, या कह सकते हैं कि ये इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू है। क्या बात समझ में? ऐसे थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है। जैसे ही कानों ने सुना थर्ड ऑर्डर, तो हम लोग समझ गए भैया तीन रो और तीन कॉलम, तो कैसा दिखाई पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। और इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू है वह कहलाती है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, और यह सिर्फ डिटरमिनेंट भी कह देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? रोज और कॉलम जो हॉरिजॉन्टल है वो रोज है। अच्छा, रोज की गिनती कैसे होगी? ऊपर से नीचे, यानी ये हमारी बनेगी रो 1, फिर रो 2 और फिर रो 3। और कॉलम्स की गिनती कैसे होगी? लेफ्ट से राइट, यानी ये भाई साहब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यहां पर ये क्या हो जाएगा? रो 1 ये क्या हो जाएगा? रो 2 ये क्या हो जाएगा? कॉलम 1 ये क्या हो जाएगा? कॉलम 2। क्लियर है? ये है डिटरमिनेंट की बेसिक डेफिनेशन। व्हाट इज डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स व्हिच आर रिटन डाउन बिटवीन टू पैरेलल वर्टिकल लाइंस। पहली इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
डिटरमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होंगे क्योंकि डेफिनेशन खुद कहती है स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, और जो नंबर ऑफ रोज की संख्या है वही नंबर ऑफ कॉलम की संख्या होगी और वह कहलाती है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ये हो गई बेसिक डेफिनेशन। अब पहले हम डिटरमिनेंट से कनेक्टेड बहुत सारे नाम हैं उन नामों को देखेंगे, फिर हम एलजेब्रा पर आएंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे और फिर बहुत सारी चीजें इसके अंदर करेंगे। क्लियर है? ये कॉपी कर लो। तो भाई डिटरमिनेंट की डेफिनेशन देख ली, अब कुछ नाम है जो डिटरमिनेंट के साथ जुड़े हुए हैं, पहले उन नामों को देखते हैं और फिर हम डिटरमिनेंट की कैसे वैल्यू निकालते हैं, क्या एलजेब्रा उस पर देखते हैं। सबसे पहले अपन सेकेंड इंपॉर्टेंट बात करेंगे नेम्स रिलेटेड विद डिटरमिनेंट। ये कुछ नाम है जो डिटरमिनेंट साथ जुड़े हुए हैं। पहले अपन एक एक नाम को देखते हैं ताकि डिटरमिनेंट चैप्टर में बात करना बहुत ईजी हो जाए। चलो, हमारे पास कोई भी स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, ए आई जे, ये सबसे पहले डिनोट करेगा एलिमेंट इन आईथ रो एंड जेथ कॉलम। दिस विल डिनोट एन एलिमेंट इन आईथ रो एंड जेथ कॉलम, यानी अगर जनरल थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखना है, जनरल 3x3 का डिटरमिनेंट लिखना है, तो जनरल 3x3 का डिटरमिनेंट भाई कैसे बनेगा? भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, उसके बाद A31, A32, A33। ये बन गया जनरल थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। क्या बन गया भाई? जनरल थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ए आई जे डिनोट करेगा, ए आई जे नोटेशन होगा फॉर एलिमेंट ऑफ आईथ रे एंड जेथ कॉलम। क्लियर है? अब सुनो, जिन एलिमेंट्स की शक्ल ए आई आई के रूप की होगी, A11, A22, A33, ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। बहुत सारे नाम है, ध्यान से सुनते हो। जिन एलिमेंट्स की शक्ल ए आई आई के फॉर्म की होगी, A11, A22, A33, वो क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। और जो उनको कंटेन करेगा, और जो उनको कंटेन करेगा वह कहलाएगा डायगोनल, या कभी कभी मेन डायगोनल, या कुछ देसी किताबों में प्रिंसिपल डायगोनल। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज आते हैं, गुरुजी ये भी डायगोनल है ये भी डायगोनल, तो भाई साहब ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल वही है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स कौन से रूप के होते हैं? बिल्कुल रट लो, रो और कॉलम बराबर होने चाहिए, आई और जे बराबर होने चाहिए, A11, A22, A33, ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और जिसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं केवल वही कहलाता है डायगोनल। तो ये है डायगोनल। अच्छा, इसके अंदर कभी कभी लोग सोचते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, तो क्या सर कुछ नॉन प्रिंसिपल डायगोनल भी है क्या? अच्छा, मेन डायगोनल, क्या नॉन मेन डायगोनल? कोई नॉन मेन डायगोनल, बस डायगोनल मतलब एक ही है, और ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम, यानी इस केस में अगर बात करें A11, A22, A33, ये कहलाता है ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट। क्या कहलाता है? ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट ए। और इसको डिनोट करते हैं किससे? TRS से। क्या कहलाता है? ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट है, और इसको डिनोट करते हैं किससे? TRS से। क्या बात समझ में आई? समेशन ए आई A11, A22, A33, सारे डायगोनल एलिमेंट का सम कहलाता है ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट। और एक रंग बिरंगी चौक का यूज करते हैं और कुछ और बातें देखते हैं। अब ध्यान सुनो, ध्यान से बिल्कुल। ये तो हो गया डायगोनल। जो डायगोनल के ऊपर का ट्रायंगल है ये कहलाता है अपर ट्रायंगल। कोई आपसे बोले कि एलिमेंट अपर ट्रायंगल में, तो हम समझ जाएंगे कहां पर है। और जो डायगोनल के नीचे का ट्रायंगल है ये कहलाता है लोअर ट्रायंगल। क्या कहलाता है? लोअर ट्रायंगल। डायगोनल तो डायगोनल है ही, उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स
या उसके ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा अपर ट्रायंगल और उसके नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा लोअर ट्रायंगल। तो भाई AIJ नोट करेगा एलिमेंट और सारी चीज और नाम देखो, अरे नाम खत्म नहीं हुए। AIJ एंड AJI, AIJ एंड AJI विल बी कॉल्ड, ये दोनों कहलाते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाएंगे। एक और रंग से देखो, कौन सा रंग ले ले, चलो ऑरेंज ले लेते हैं। ध्यान देखो, जैसे A21A12 ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगे, A31A13 ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, A32A23 ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। AIJ यानी जिनमें रो और कॉलम को इनवर्स कर दें, AIJ और AGI ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। क्लियर हुए सारे नाम, कॉपी करो। ओके, ये सारे नाम अपन लोग देख लिए, खत्म नहीं हुए नाम, नाम अभी और भी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम जो हमको देखना है वो है सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ध्यान देखो, कॉन्जुगेट एलिमेंट समझ गए थे, AIJ और AJI ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। अच्छा सुनो, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, हम उस डिटरमिनेंट को सिमेट्रिक कहेंगे जिसके अंदर AIJ किसके बराबर हो, AJI यानी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो। सोचो कॉन्जुगेट एलिमेंट, बेसिकली अगर अपन ने पिछली बार देखा हो तो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स और लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं बेसिकली। अच्छा देखो, तो दिखेगा कैसे, बिल्कुल नाम के हिसाब से ये कैसा दिखेगा, सिमेट्रिक दिखेगा। देखो मान लीजिए डायगोनल एलिमेंट्स 1, 2, 3 है, अगर यहां 4 आएगा तो यहां भी 4 आएगा, यहां 5 आएगा तो यहां भी 5 आएगा, यहां -2 आएगा तो यहां पर भी -2 आएगा। आइए कलर चौक से देखें इस चीज को, ध्यान से देखो, अगर ये वाला एलिमेंट A12 है तो ये वाला एलिमेंट A21 है, ये वाला एलिमेंट A13 है तो ये वाला एलिमेंट A31 है, ये वाला एलिमेंट A23 है तो ये वाला एलिमेंट A32 है। बिल्कुल नाम के अनुरूप, नाम के अनुसार सिमेट्रिक एलिमेंट डायगोनल के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक दिखाई पड़ता है, डायगोनल के अबाउट बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज सा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका नाम रखा है सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। अच्छा, अब एक सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है तो एक और नाम आता है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। जब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है कि AIJ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स AJI। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि AIJ प्लस AJI इक्वल टू जीरो, यानी इस केस में कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का सम क्या होगा, जीरो। अच्छा एक बात देखो, एक बात नोटिस करो, अगर ये डेफिनेशन में अगर I और J बराबर हो जाए तो कैसा दिखाई पड़ेगा, AIJ इज इक्वल टू माइनस AIJ यानी 2AIJ इक्वल टू जीरो यानी AIJ इक्वल टू जीरो, यानी स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट के सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, डायगोनल एलिमेंट तो सारे जीरो होंगे और नॉन डायगोनल का सम जीरो, यानी यहां 1 तो -1, 2 तो -2, -3 तो 3। डायगोनल एलिमेंट तो सारे जीरो ही निकल के आएंगे, वो तो यहां डेफिनेशन से ही आ गया, डायगोनल एलिमेंट तो सारे जीरो ही निकल के आएंगे और नॉन डायगोनल का सम जीरो, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का सम आपस में जीरो। जब भी कोई डिटरमिनेंट ऐसा दिखाई पड़े, देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट आप देख के बता सकते हो, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में डायगोनल के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती, डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, डायगोनल के अबाउट ये बिल्कुल आपको सिमेट्रिक दिखाई पड़ता है। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो ही होंगे, सारे के सारे जीरो ही होंगे, डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए, उसके साथ में नॉन डायगोनल का सम जीरो। क्या दो नाम समझ में आए, दो नाम और देखेंगे, कॉपी करो। क्या और नाम देखें, एक और इंपॉर्टेंट शब्द है, एक और इंपॉर्टेंट नाम है, वो है ट्रांसपोज। जैसे हमारे पास कोई डिटरमिनेंट ए है तो हम उसके ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं AT से,
या ए डैश से या ए बार से, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ए टी, ए डैश या ए बार। आमतौर पर मैं तो डैश लगाता हूं, खट से लग जाता है, टाइम बचता है। अच्छा, अब ट्रांसपोज कैसे मिलता है, बहुत आसान है, रो को कॉलम में बदल दो। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है ए, अब कोई सा भी ले लो, मान लो जैसे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया डिटरमिनेंट है। अब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, कुछ नहीं करना, रोज को कॉलम में बदलते जाओ, रोज को कॉलम में बदलो। इस बात पर मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये मैट्रिक्स में भी काम में आएगा। रोज को कॉलम में बदलो, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम, खत्म। अच्छा, कॉलम को भी रोज में बदल सकते हो, तो ऑटोमेटिक सी बात है, कॉमन सेंस, आप समझ गए होंगे। जब रो कॉलम बनेंगे, रो कॉलम बनेंगे, रो कॉलम बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली भाई साहब कॉलम रो बन जाएगी। ये कॉलम पहला कॉलम पहला रो, दूसरा कॉलम दूसरा रो, तीसरा कॉलम तीसरा रो। रोज को कॉलम में बदल लो या कॉलम को रोज में बदल लो, लेकिन अपन एक चीज ध्यान रखें, देखो रोज को अगर आप कॉलम में बदल रहे हो तो ऑटोमेटिकली कॉलम रोज में बदल जाएंगे, इसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। लेकिन इन जनरल अपन एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि भैया ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करके। सिंपल, कोई भी मैट, कोई भी डिटरमिनेंट दे रखो, मान लो चुन्नू एग्जांपल लेने के लिए 2x2 का ले लीजिए, मान लो अपन कह रहे हैं 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज निकालना है, कुछ नहीं करना, पहले रो का पहला कॉलम, दूसरे रो का दूसरा कॉलम, बस मिल गया भाई साहब डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज। एक और इंपॉर्टेंट नाम है, माइनर ऑफ एलिमेंट, ये ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट, ये पूरे डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज है, जबकि यहां पर किसकी बात चल रही है, एलिमेंट का माइनर। मान लो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, कितने एलिमेंट हो गए, 9 एलिमेंट हो गए, भाई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हर एलिमेंट का अपना माइनर, हर एलिमेंट का अपना माइनर। यहां देखो, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई एम आई जे। पहले तो नोटेशन समझ लो, ए आई जे एलिमेंट का जो माइनर होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एम आई जे से डिनोट करेंगे। ए आई जे एलिमेंट का जो माइनर होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एम आई जे से डिनोट करेंगे। ये बात समझ में आ गई, ए आई जे एलिमेंट का माइनर डिनोट होगा किससे, एम आई जे से। पहली बात तो ये समझ में आ गई, आगे सुनो। अब भाई माइनर होता क्या है, कुछ नहीं, जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हटा दो, जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हटा दो, बचा हुआ डिटरमिनेंट उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। इधर देखो, मैं लिख भी देता हूं, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इज द रिमेनिंग डिटरमिनेंट obtained by removing its rows and columns। हाँ देखो, बहुत आसान सा है, कुछ विशेष नहीं करना है इसके अंदर, बिल्कुल ध्यान देना है, चौक खत्म। जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए ना उसके रो और कॉलम को हटा दो। आओ देखें, जैसे मान लीजिए, आओ इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो मुझको M12 चाहिए, तो यही बता रहा, खुद कह रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दो। भाई M12 किसका माइनर होगा, M12 माइनर होगा A12 का, तो इसका रो हटा दो, इसका कॉलम हटा दो, क्या बच गया, क्या बच गया, क्या बच गया, 4 6 7 9 मिल गया माइनर। बहुत इजी है, जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए उसके रो और कॉलम को हटा दीजिए, बचा हुआ डिटरमिनेंट क्या कहलाएगा, उसका माइनर। क्लियर हुआ, क्लियर। एक और देखो, जैसे मान लो M23 चाहिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम इसका माइनर चाहिए, तो इसके रो और कॉलम को हटा दिया, 1 2 7 8,
मिल गया माइनर। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मेरी इच्छा हो रही है M31 निकालने की, तो M31 ये है M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 5 6, तो ये आ गया 2 3 5 6। क्लियर हुआ? और एक नाम और देखें, कॉपी कर लो पहले आप। भी बहुत सारे नाम देख लिए। एक और इंपॉर्टेंट नाम माइनर, तो हमने समझ लिया माइनर क्या होता है। माइनर समझने के बाद एक और इंपॉर्टेंट नाम है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि हमने बताया था कि माइनर भी भाई एलिमेंट का होता है, वैसे कोफैक्टर भी एलिमेंट का होता है। तो कोफैक्टर AIJ का कोफैक्टर हम लोग डिनोट करेंगे किससे? CIJ। CIJ का मतलब होगा कोफैक्टर ऑफ AIJ। अच्छा, माइनर तो समझ ही लिया है। एक्चुअली माइनर समझ लेने के बाद कोफैक्टर समझने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती, क्योंकि CIJ इज नथिंग बट -1 की पावर i+j इंटू MIJ। CIJ इज नथिंग बट -1 की पावर i+j इंटू MIJ। यही CIJ का मीनिंग है। CIJ किसके बराबर है? -1 की पावर i+j इंटू MIJ। बिल्कुल कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि दोनों में मैग्नीट्यूड का ऐसा कोई अंतर नहीं है, दोनों में मैग्नीट्यूड का ऐसा कोई अंतर नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, या तो i+j एक इवन नंबर होगा या फिर i+j एक ऑड नंबर होगा। अगर i+j एक इवन नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है CIJ MIJ के बराबर होगा, और अगर i+j ऑड नंबर होगा तो CIJ और कुछ नहीं माइनस टाइम्स MIJ हो जाएगा। अगर आपको माइनर निकालना आ गया तो कोफैक्टर निकालने में सच कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आके हमने सारे नाम पढ़ लिए। AIJ क्या डिनोट करता है? सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, कॉन्जुगेट एलिमेंट, ट्रेस, डायगोनल एलिमेंट्स, सब कुछ, माइनर, कोफैक्टर, हर नाम पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो एसोसिएटेड वैल्यू है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान देखो, तो हमने क्या क्या देख लिया? सबसे पहले अपन लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले अपन लोगों ने डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट देख लिया। दूसरे नंबर पर अपन लोगों ने क्या देख लिया? दूसरे नंबर पर अपन ने देख लिया नेम्स रिलेटेड विद डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट था जुड़े हुए नाम देख लिए। ओके, चलो ये दोनों चीज देख ली। अब हमने बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स की। किसकी बात करेंगे? एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। इसका क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं। जब अपन ने डिटरमिनेंट की डेफिनेशन देखी थी तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई थी कि डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स के साथ जुड़ी हुई एक वैल्यू एसोसिएटेड है। उस एसोसिएटेड वैल्यू को हम उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू या डिटरमिनेंट कहते हैं। अब सवाल उठता है, व्हाट इज दिस एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट? एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट इज अ प्रोसेस टू फाइंड दैट वैल्यू एसोसिएटेड। वो एसोसिएटेड वैल्यू फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है, जो एसोसिएटेड वैल्यू फाइंड आउट करने का जो मेथड है, वो कहलाता है एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। क्या कहलाता है? एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। सो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच वी कैलकुलेट द एसोसिएटेड वैल्यू और द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ओके, ये तो नाम का मतलब समझ में आ गया कि अच्छा भाई ये तो एक प्रोसेस है, ठीक है, पर क्या है, प्रोसेस कैसे करना है, मैं समझाता हूं। बहुत सिंपल, कंसिडर करते हैं एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल जनरल डिटरमिनेंट लेते हैं, बिल्कुल जनरल, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कंसिडर करिए जनरल थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। ये हो गया जनरल थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। क्लियर है? अच्छा आप सुनो, अब एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट तो उस प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस को लगाकर हम लोग वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अब सवाल उठता है, गुरुजी प्रोसेस क्या है? मैं समझाता हूं क्या है प्रोसेस। किसी भी रो या कॉलम को, किसी भी, आपके पास 6 ऑप्शन है, row 1, row 2, row 3, column 1, column 2, column 3, किसी भी रो या कॉलम को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ना कहलाता है एक्सपेंशन ऑफ
डिटरमिनेंट. क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय इट्स ओन कोफैक्टर्स एंड ऐड देम, वी गेट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट. किसी भी रो या कॉलम को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, किसी भी रो या कॉलम को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना. सिंपल मेथड, मान लो अपन चुनते हैं भाई रो वन से एक्सपेंड करते हैं, तो यहां पर देखो बिल्कुल ध्यान से, एक्सपेंशन बाय रो वन. अगर आप रो वन से एक्सपेंड करते हैं तो रो वन से एक्सपेंड करने का क्या मतलब भैया, ए वन वन सी वन वन प्लस ए वन टू सी वन टू प्लस ए वन थ्री सी वन थ्री. सिंपल. अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, आइए इसकी बात करते हैं बिल्कुल ध्यान से. कोफैक्टर की बात करते हैं, ध्यान सुनो. तो भाई कोफैक्टर आ गए. अब कोफैक्टर क्या होते हैं तो हमको पता ही है. तो यहां पर यह चीज आ जाएगी ए वन वन एम वन वन, लेकिन जब सी वन टू निकालेंगे तो माइनस ए वन टू एम वन टू. माइनस साइन क्यों लगेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सी आई जे इज नथिंग बट माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे. जो सी आई जे होता है वो और कुछ नहीं होता, माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे. ये क्या है, सी आई जे. अच्छा आप ध्यान से सुनो, प्लस ए वन थ्री एम वन थ्री. अरे जरूरी नहीं है रो वन का इस्तेमाल करो, यही खास बात है. क्या लिखा है, मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम. किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो. आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो. क्या मिल गया आपको, मिल गई वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. अब M11 भाई, M11 निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है. चलो M11 निकालते. 11 निकालने का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दो. तो यहां क्या निकल के आएगा, ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री. ढंग से लिख देते हैं. माइनस ए वन टू कैसे मिलेगा, एम वन टू. इन दोनों को हटा दो, यहां क्या आएगा, ए टू वन ए टू थ्री और ए थ्री वन ए थ्री थ्री. प्लस यहां पर ए वन थ्री, ए वन थ्री इंटू कितना आ रहा है, एम वन थ्री निकल के आ रहा है. चलो एम वन थ्री की बात करें तो एम वन थ्री कितना निकल के आ जाएगा, ए टू वन ए टू टू और ए थ्री वन ए थ्री टू. बस समझ में. अब यहां पर क्या आ गया, फाइनली यहां आ गया सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट. अब जरा सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट क्या कोने पर देखो. सोचो कि हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू. अब इसको एक्सपेंड करने का मेथड तो सेम ही है, किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर को खुद से, सॉरी किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो. मान लो हम रो वन इस्तेमाल कर सकते हैं, अरे कुछ भी यूज करो, रो वन रो टू कॉलम वन कॉलम टू, एंड वैल्यू विल कम आउट टू बी सेम. एंड वैल्यू हर बार सेम ही निकल के आएगी. अच्छा सुनो इधर, तो मान लो यहां पर मान लो रो वन इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यहां आएगा ए वन वन सी वन वन प्लस ए वन टू सी वन टू. अब ए वन वन सी वन वन तो और कुछ नहीं, एम वन वन ही हो जाएगा, लेकिन सी वन टू तो भैया माइनस एम वन टू हो जाएगा. इस बार कहानी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ए वन वन एम वन वन कितना होगा, इसका रो इसका कॉलम हटाओगे तो एक ही एलिमेंट बचेगा, ए टू टू. और एम वन टू कितना होगा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एम वन टू कितना होगा, अगर इसका रो और इसका कॉलम हटाओगे तो ए टू वन. तो ये मिल गई सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू. इसको बच्चों को सिंपल रट लेना चाहिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, this into this minus this into this. देखो वही आ रहा है, this into this minus this into this. पहले हमने सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू निकाल ली, सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू से ही थर्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी, थर्ड ऑर्डर की वैल्यू से ही फोर्थ ऑर्डर की वैल्यू आएगी. क्यों, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर में जो कोफैक्टर बनेगा रो और कॉलम को जब आप हटा देंगे तो आपको केवल सिंगल एलिमेंट मिलेगा,
लेकिन थर्ड ऑर्डर में जब आप रो और कॉलम को हटाएंगे तो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू यहां से निकल के आएगी। तो हमने सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ली है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो भाई हमारी बात बन गई। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए आप, तो आ गया ए वन वन इंटू कितना आएगा ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री ए थ्री टू माइनस यहां पर कितना आएगा ए वन टू इंटू ए टू वन ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री ए थ्री वन प्लस फाइनली ए वन थ्री इंटू ए टू वन ए थ्री टू माइनस ए थ्री वन ए टू टू, जगह की कमी या लाइन खींच देते हैं बल्कि किसी और रंग से खींच देते हैं ताकि बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ये लीजिए निकल के आ गई थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू। मेथड बिल्कुल सेट है, दिमाग नहीं लगाना। डिटरमिनेंट वैल्यू को प्राप्त करने का क्या तरीका है, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। और एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट में करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को खुद के कोफैक्टर से और जोड़ देंगे। यहां पर जरूरी नहीं है रो वन इस्तेमाल करो, कोई भी रो, कोई भी रो, कोई भी कॉलम के कंप्लीट रो कंप्लीट कॉलम को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे, आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर है, कॉपी कर लो। तो भाई डिटरमिनेंट की डेफिनेशन देख ली, डिटरमिनेंट के साथ जोड़े हुए सारे नाम देख लिए, डिटरमिनेंट की एसोसिएटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं वह भी देख लिया। बहुत सिंपल सा मेथड है, एक दो डिटरमिनेंट निकाल के अपन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आओ देखें अपन, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको कोई डिटरमिनेंट हमको दे दे 1 2 3 4 5 -1 6 2 1 और हमको बोला जाए इसकी वैल्यू निकालना। अच्छा 2 by 2 डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। मान लो कोई भी हमारे पास 2 by 2 का डिटरमिनेंट है 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू तो बिल्कुल रट्टी हुई होनी चाहिए भाई साहब, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा 4 -6 -2। तो अपन लोगों ने एक्सपेंशन और डिटरमिनेंट देख लिया है, तो अब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया निकल के। अच्छा इसकी वैल्यू निकालने के लिए कोई भी रो या कॉलम का यूज कर सकते हैं, मतलब जो पसंद हो उस रो या कॉलम से एक्सपेंड करें। थर्ड ऑर्डर में तो 6-6 चॉइस है, रो वन रो टू रो थ्री कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, किसी से भी एक्सपेंड करें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात करते हैं 1 2 3 4 5 -1 6 2 1, चलो किससे इस्तेमाल करें, फर्स्ट रो से ही कर लेते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 1 into M11 आएगा M11 माइनस 2 into M12 आएगा प्लस 3 into M13 आएगा। डायरेक्टली मैंने माइनर लिख दिया, कोफैक्टर भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। अच्छा मान लो आप कोफैक्टर लिखना चाहते हैं तो आप कोफैक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। चलो पहले कोफैक्टर लिख लेते हैं और फिर कोफैक्टर लिख के फिर कोफैक्टर से शुरू करते हैं। चलो तो ये बेसिकली मान लो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हो तो बच्चों की तरह करते हैं A11C11 प्लस A12C12 प्लस A13C13। A11 की वैल्यू कितनी है 1, C11 कितना हो जाएगा M11 ही हो जाएगा। A12 की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन C12 कितना आ जाएगा माइनस टाइम्स M12 क्योंकि 1 प्लस 2 क्या है ऑड। अच्छा A13 की वैल्यू कितनी है 3, C13 कितना आ जाएगा प्लस M13 आ जाएगा। यहां तक गाड़ी पहुंच गई, अब सुनो ध्यान से M11 कैसे मिलेगा, इसका रो और कॉलम हटा दीजिए 5 -1 2 1 माइनस M12 कैसे मिलेगा, इसका रो और कॉलम हटा दीजिए 4 -1 6 1 प्लस 3 into M13 कैसे मिलेगा, उसका रो और कॉलम हटा दीजिए ये लीजिए। अच्छा हर बार इतना सारा प्रपंच लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो 1 टाइम्स यहां पर कितना आ जाएगा 5 -2 आ जाएगा, -2 टाइम्स यहां कितना आ जाएगा 4 -6 आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स यहां कितना आ जाएगा 8 -13। अच्छा बच्चे तो इसको सीधे लिख लेते हैं, सोचो दिस इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका रो और कॉलम छोड़ दो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका रो कॉलम छोड़ दो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो फाइनली भाई कितना आ गया 5 2 7 और 6 4 10 2 20 और 8 -30 मतलब हो गया -22, तो माइनस कितना हो गया -22 into 3 -66, सही तो लिखा ना, 8 बजे सही है।
तो भाई कितना निकल के आ गया, 66 प्लस 20 66 76 86 माइनस 86 प्लस 7 इज माइनस 79. सो द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट कम्स आउट टू बी माइनस 79. मेथड बिल्कुल सेट है, दिमाग का इस्तेमाल ना करें, सिंपल मेथड. अच्छा, इतना सारा तामझाम लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको समझाने के लिए अपन तो डायरेक्टली किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं. जिस एलिमेंट को चुना उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू. फिर जिस एलिमेंट को चुना उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू. फिर जिस एलिमेंट को चुना उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू. क्या बात समझ में आई, कॉपी कर लीजिए.